नासा ने बताया पेड़ पौधे लगाने में सबसे आगे हैं भारत चीन। नासा NASA के एक ताजा अध्ययन में आम अवधारणा के विपरीत यह पाया गया है कि भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं। इस अध्ययन में सोमवार को कहा गया कि दुनिया 20 वर्ष पहले की तुलना में अधिक हरी भरी हो गई है। नासा के उपग्रह से मिले आंकड़ों एवं विश्लेषण पर आधारित अध्ययन में कहा गया कि भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में आगे हैं। अध्ययन के लेखक ची चेन ने कहा, एक तिहाई पेड़ पौधे चीन और भारत में हैं, लेकिन ग्रह की वन आच्छादित भूमि का 9% क्षेत्र ही उनका है। बोस्टन विश्वविद्यालय के चेन ने कहा, अधिक आबादी वाले इन देशों में अत्यधिक दोहन के कारण भूक्षरण की आम अवधारणा के मद्देनजर यह तथ्य हैरान करने वाला है। नेचर सस्टेनेबिलिटी पत्रिका में सोमवार को प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि हालिया उपग्रह आंकड़ों 2000 से 2017 में पेड़ पौधे लगाने की इस प्रक्रिया का पता चला है, जो मुख्य रूप से चीन और भारत में हुई है। पेड़ पौधों से ढके क्षेत्र में वैश्विक बढ़ोतरी में 25% योगदान केवल चीन का है, जो वैश्विक वनीकरण क्षेत्र का मात्र 6.6% है। नासा के अध्ययन में कहा गया है कि चीन वनों 42% और कृषि भूमि 32% के कारण हरा भरा बना है, जबकि भारत में ऐसा मुख्यतः कृषि भूमि 82% के कारण हुआ है। इसमें वनों 4.4% का हिस्सा बहुत कम है। चीन भूक्षरण, वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने के लक्ष्य से वनों को बढ़ाने और उन्हें संरक्षित रखने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चला रहा है। भारत और चीन में 2000 के बाद से खाद्य उत्पादन में 35% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। नासा के अमेस अनुसंधान केंद्र में एक अनुसंधान वैज्ञानिक एवं अध्ययन की सह लेखक रहमान एमानी ने कहा, जब पृथ्वी पर वनीकरण पहली बार देखा गया तो हमें लगा कि ऐसा गर्म एवं नमी युक्त जलवायु और वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उर्वरकता के कारण है। उन्होंने कहा कि नासा के टेरा एवं एक वा उपग्रहों पर मॉनिटर रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर MODIS से 2 दशक के डेटा रिकॉर्ड के कारण यह अध्ययन हो सका। अब इस रिकॉर्ड की मदद से हम देख सकते हैं कि मानव भी योगदान दे रहा है। नेमानी ने कहा कि किसी समस्या का एहसास हो जाने पर लोग उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। भारत और चीन में 1970 और 1980 के दशक में पेड़ पौधों के संबंध में स्थिति सही नहीं थी। उन्होंने कहा, 1990 के दशक में लोगों को इसका एहसास हुआ और आज चीजों में सुधार हुआ है।